यह मूवी ऑर्बिटर 9 नाम के स्पेसशिप के अंदर शुरू होती है, जिसमें एक 20 साल की खूबसूरत लड़की अकेले सफर कर रही होती है, जिसका नाम हेलेना होता है, और वो स्पेसशिप पृथ्वी से सेलेस्ट नामक ग्रह की ओर जा रहा होता है। हेलेना ने अपनी सारी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक उसी स्पेसशिप में गुजारी थी, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन के कारण वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में थे, ताकि इंसान पृथ्वी को छोड़कर वहां जाकर बस सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने हेलेना को एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच के मिशन पे भेजा था। 20 साल का सफर तय करके हेलेना अभी आधे रास्ते पे ही पहुंची थी। उसे सेलेस्ट ग्रह पहुंचने में अभी 20 साल का समय और तय करना था। बचपन में छोटी हेलेना को उसके माता पिता स्पेसशिप के अंदर लाए थे और उन्होंने उसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी, लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आने के कारण स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रह गई थी। अब अगर वो तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन साल भर ही चल पाती। इसलिए हेलेना के माता पिता ने उसे कुछ बोले बिना चुपचाप ही स्पेसशिप से अंतरिक्ष में कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि हेलेना जिंदा रह सके। और अब अकेले हेलेना के स्पेसशिप में रहने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल जाएगी, और इन 3-4 साल के दौरान स्पेस में जगह जगह बने स्पेस स्टेशन से कोई इंजीनियर उसके स्पेसशिप तक मदद के लिए पहुंच जाएगा। और इस तरह हेलेना ने पिछले 3 साल बिल्कुल अकेले उस स्पेसशिप में बिताए थे। फिर एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल घटकर सिर्फ 1% रह जाता है। स्पेसशिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेलेना को पता चलता है कि अगले 17 घंटे में एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। हेलेना अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटे बाद स्पेसशिप में अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। वो भागकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाती है और वो देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा था। और फिर जैसे ही उसके स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, उसके सामने उसी की उम्र का एक लड़का आता है, जिसका नाम एलेक्स होता है। हेलेना ने पहली बार किसी लड़के को देखा था, उसे देखते ही वो खो गई थी। वो हेलेना को बताता है कि वो इंजीनियर है और उसके पास इस रिपेयर वर्क को पूरा करने के लिए सिर्फ 50 घंटे हैं। एलेक्स के पास एक मिनी रोबोट भी था। वो मिनी रोबोट फॉल्ट ढूंढने में उसकी मदद करता था। हेलेना किसी न किसी बहाने से एलेक्स के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन वो किसी कारणवश उसे टालने की कोशिश कर रहा था। फिर हेलेना एलेक्स से उसका नाम पूछती है और उसे डिनर के लिए रुकने बोलती है। थोड़ी देर न करने के बाद एलेक्स उसके साथ डिनर के लिए मान जाता है। हेलेना काफी खुश हो जाती है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम पर लग जाता है। एलेक्स जब अपने काम में बिजी था, तब हेलेना उसके कमरे में जाकर उसकी चीजों को देखती है। तभी वो उसके मिनी रोबोट से भी बात करती है। फिर रात में एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है, तब हेलेना दबे पांव एलेक्स के कमरे में प्रवेश करती है। वो सोए हुए एलेक्स के ऊपर आ जाती है, लेकिन अचानक एलेक्स जाग जाता है। वो उसको आगे कुछ बोल पता, उससे पहले हेलेना कहती है कि उसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है और अगले 20 साल वो स्पेसशिप में अकेले बिताने वाली है। इसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कहता है और फिर उनके बीच संबंध बनते हैं। फिर कुछ घंटे बाद एलेक्स स्पेसशिप से हेलेना को बिना ठीक से गुड बाय किए ही चला जाता है, जिससे हेलेना को बुरा लगता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुलता है। वो उसमें से होता हुआ एक लिफ्ट के माध्यम से जैसे ही बाहर निकलता है, वो तो धरती पर आ जाता है। तब पता चलता है कि एलेक्स पृथ्वी पर ही था और हेलेना भी जमीन पर ही है। असल में वहां पर मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था, जिसका नाम ऑर्बिट प्रोग्राम था। वो स्थान एक घने जंगल के बीच में प्रतिबंधित क्षेत्र में था। वहां जमीन के नीचे 10 अलग स्पेसशिप के सिम्युलेटर बनाए गए थे, जिनके नाम ऑर्बिटर 1 से ऑर्बिटर 10 तक की गिनती के रूप में रखे गए थे। हर सिम्युलेटर में एक यात्री को रखकर उन पर साइंटिस्ट शोध कर रहे थे कि सेलेस्ट ग्रह की यात्रा के दौरान मानव शरीर इतनी लंबी यात्रा में कैसे और किस तरह रिएक्ट करेगा, ताकि असली यात्रा के दौरान मानव शरीर पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव और बाधाओं से अच्छे से निपटा जा सके, ताकि पूरी मानव जाति को सही सलामत ग्रह तक पहुंचाया जा सके। वहां ही 9वें नंबर के स्पेसशिप यानी ऑर्बिटर 9 में हेलेना थी, लेकिन किसी को भी हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे तो यही मान रहे थे कि वे अकेले ही स्पेसशिप में सेलेस्ट ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स इस प्रोग्राम को चलाने वाली एजेंसी में साइंटिस्ट होता है। वो एजेंसी में आता है। वहां इस प्रोग्राम का चीफ साइंटिस्ट एलेक्स को बताता है कि उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 से 30 साल में पहला स्पेसशिप हकीकत में सेलेस्ट ग्रह की तरफ उड़ान भरेगा। एलेक्स जब उस प्रतिबंधित क्षेत्र से अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तब मिलिट्री चेक नाके पर उसकी चेकिंग होती है। तभी पता चलता है कि 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलेस्ट ग्रह पर भेजा जाने वाला था, लेकिन वो स्पेसशिप उड़ान भरने की कुछ सेकंड पहले किसी तकनीकी खराबी के कारण एक धमाके में फट गया, जिसमें सारे क्रू मेंबर्स जलकर मर गए। उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स था और उस घटना के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया था। फिर अपने घर पहुंचकर जब एलेक्स आराम कर रहा होता है, तब अचानक से मिनी रोबोट हेलेना का वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। उस वीडियो में हेलेना की वही बातें होती हैं जो वो मिनी रोबोट से कर रही थी। मिनी रोबोट ने चुपके से हेलेना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन एलेक्स अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। साइकियाट्रिस्ट अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। वो एक स्क्रीन के पीछे से अपनी क्लाइंट को साफ साफ देख पाती थी, लेकिन दूसरी ओर से क्लाइंट को सिर्फ एक एनिमेटेड लोमड़ी का चेहरा नजर आता था। एलेक्स साइकियाट्रिस्ट को सिम्युलेटर के अंदर यात्रियों के बारे में बताता है कि सिम्युलेटर में उन सभी यात्रियों का वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लैब में साइंटिस्ट चूहा का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं। एलेक्स को उन यात्रियों और खासकर हेलेना के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है और एक दिन एलेक्स प्रतिबंधित मिलिट्री क्षेत्र में स्थित ऑर्बिटर 9 की ओर निकल पड़ता है। उधर हेलेना अपने स्पेसशिप में मायूस पड़ी थी। अचानक उसका स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बजाने लगता है। वो कंट्रोल पैनल में देखती है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो
रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट तो भेजी नहीं थी। फिर वो अचानक से स्पेस कैप्सूल से एलेक्स को निकलता देख सन रह जाती है। वो देखती है कि एलेक्स बिना स्पेस सूट के आया हुआ है। एलेक्स उसे बताता है कि यह कोई स्पेसशिप नहीं है, ये बस एक सिमुलेटर है, दरवाजे के उस पार पृथ्वी ही है। वो हेलेना से कहता है कि उन्हें इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। हेलेना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो घबराते हुए एलेक्स को वापस अपने स्पेस कैप्सूल में लौट जाने को बोलती है। इतना सुनते ही एलेक्स वहाँ लगे कैमरे को निकाल देता है। वो बताता है कि बचपन से लेकर अब तक उसकी रिकॉर्डिंग है। हेलेना अभी भी डरी हुई थी लेकिन वो एलेक्स की बात मान लेती है। वो हेलेना की जगह मिनी रोबोट को सेट करके उसके ऊपर सारे प्लग्स लगा देता है जिससे पहले की तरह एजेंसी को हेलेना की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहे। फिर वह हेलेना को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। हेलेना काफी घबराई हुई थी। बाहर निकलते ही हेलेना को अचानक बहुत ज्यादा तेज रोशनी का एहसास होता है। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी सूरज की रोशनी में नहीं आई थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे रखे एक बड़े बॉक्स में छुपा देता है और फिर उस बॉक्स को अपने स्पेस सूट से ढक देता है। मिलिट्री चेक नाके पर पहुंचने पर एक फौजी रेडिएशन डिटेक्टर से उसके ट्रक को स्कैन करने लगता है। वो जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है डिटेक्टर के बीप की आवाज तेज हो जाती है। एलेक्स बुरी तरह से घबरा जाता है और वो ट्रक को भगाने की तैयारी में ही था। तभी वो फौजी बताता है कि एलेक्स ने अपना स्पेस सूट बाहर छोड़ रखा है इसलिए स्कैनर रेडिएशन पकड़ रहा है। फिर वो ट्रक का बॉक्स बिना चेक किए ही ट्रक को आगे जाने देता है और एलेक्स तुरंत ही वहां से निकल जाता है। फिर वो हेलेना को एक जगह पर ले जाकर बाहर निकालता है। वो हेलेना को पूरे सिम्युलेटर प्रोग्राम के बारे में बताता है। ये प्रोग्राम हेलेना के जन्म से पहले से चल रहा है। वो ये भी बताता है कि ऑक्सीजन सप्लाई का फॉल्ट एक बहाना था। वो दरअसल स्पेसशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी जांच के लिए आया था। सब कुछ जानने के बाद हेलेना अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। एलेक्स कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहाँ से बाहर निकल आई है, खासकर उसके माँ बाप को जो मिलिट्री साइंटिस्ट है, क्योंकि वो लोग तुम्हारा साथ देने की जगह वापस वहाँ ही भेज देंगे या मार देंगे। फिर एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ हेलेना बहुत सी सामान्य दिखने वाली चीजों को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही होती है। वो बारिश को भी पहली बार महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स हेलेना को अपने घर में छोड़कर काम पे चला जाता है। वहाँ से फ्री होकर वो अपनी साइकियाट्रिस्ट को जाकर सच बताता है कि वो हेलेना को अपने साथ बाहर निकाल लाया है। जब एलेक्स वहां से निकल रहा होता है तो साइकियाट्रिस्ट एलेक्स के सामने आ जाती है। वो उसे अपना पर्सनल फोन नंबर देती है ताकि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। फिर एलेक्स हेलेना को अपने घर में बने लैब से दूसरे सिम्युलेटर के लाइव वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि सिम्युलेटर में कैमरे बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगे हैं, सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस में लगे हैं। हेलेना पूछती है कि अगर एजेंसी ये देखेगी कि एलेना स्पेसशिप पर नहीं है फिर क्या होगा। तब एलेक्स बताता है कि वो उसका वीडियो वही घर से शूट करके उसे स्पेसशिप के वीडियो फीड के साथ मिक्स कर देगा। एलेक्स आगे उसे ये भी बताता है कि सिम्युलेटर का दरवाजा किसी भी यात्री के लिए तब ही खुलता है जब उसकी मौत हो जाती है। अगर यात्री एक बार सिम्युलेटर के अंदर गया तो उसकी यात्रा को तब तक किसी ना किसी बहाने से बाते रहते हैं जब तक कि वो नेचुरली मर ना जाए, यानी कि सिम्युलेटर से मुक्ति मौत के बाद ही संभव है। ये ऑर्बिटर प्रोग्राम ऐसे ही डिजाइन किया गया था। फिर एक दिन हेलेना एलेक्स को अपनी पीठ पे उभरते दाग दिखाती है। एलेक्स उसे अपने एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि हेलेना की स्किन बहुत ही ज्यादा कोमल है और सूरज की किरणें उसकी स्किन को डैमेज कर रही है। डॉक्टर के जोर देकर पूछने के बाद एलेक्स उसे हेलेना का सच बता देता है। डॉक्टर उसे संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन जब एलेक्स घर में नहीं होता है तब हेलेना के हाथ एक गुप्त रिपोर्ट लग जाती है। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि वो एक क्लोन है। वो सच तक पहुंचने का ठान लेती है और उसी रिपोर्ट की फाइल से अपने माँ बाप का एड्रेस निकाल कर एलेक्स को बिना बताए उनसे मिलने चली जाती है। वो जब अपने माँ बाप से मिलती है तब वो लोग उसे बताते हैं कि हेलेना एक क्लोन है, लेकिन वो किसी भी मामले में प्राकृतिक रूप से जन्मे इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में तो वो उनसे बेहतर है। इस बीच हेलेना का पिता हथकड़ी लाकर हेलेना को वहीं रेलिंग से बांध देता है। उसके बाद वो एजेंसी को फोन करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से हेलेना की मॉम उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। इधर घर पहुंचने पर एलेक्स हेलेना को वहां नहीं पाता है और कमरे में बिखरी पड़ी रिपोर्ट को देखकर वो समझ जाता है कि हेलेना अपने माँ बाप से मिलने गई है। दूसरी तरफ हेलेना को आजाद करके उसकी मॉम उसे भागने के लिए बोलती है। वो उसे कहती है कि होश में आते ही उसके पिता एजेंसी को हेलेना के बारे में जरूर बता देंगे। वो अपनी मॉम को बाय बोलकर वहां से भाग जाती है और होश में आते ही हेलेना के पिता एजेंसी को उसके भागने की इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। अब हेलेना एलेक्स के घर वापस पहुंच जाती है। फिर वे दोनों घर से भाग जाते हैं। उधर के साइंटिस्ट कमांडो दोस्त के साथ एलेक्स के घर की ओर निकल पड़ता है। एलेक्स और हेलेना साइकियाट्रिस्ट से मदद मांगने उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रैक करके चीफ साइंटिस्ट भी वहां आ जाता है। साइकियाट्रिस्ट उन दोनों को छिपाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है और एक कमांडो के हाथों मारी जाती है। एलेक्स और हेलेना अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। कमांडोज और चीफ साइंटिस्ट भी उनके पीछे भागते हैं लेकिन एक जगह जाकर वे दोनों फंस जाते हैं। अब उनके पास वहां से दूसरी छत में कूदने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। हेलेना एलेक्स को पहले कूदने को बोलती है। अब एलेक्स कूद जाता है। फिर वो हेलेना को भी कूदने बोलता है लेकिन हेलेना नहीं कूदती है। उसने एलेक्स को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने की ठान ली थी। फिर कमांडोज हेलेना को पकड़ लेते हैं। वो एलेक्स पर भी गोलियां चलाते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाता है। वहां से निकलकर एलेक्स अपने
अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर एलेक्स को बताता है हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसकी स्किन तेजी से बीमारी की तरफ बढ़ रही है, वो सूरज की रोशनी में नहीं जी सकती है। एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि हेलेना अब उसके साथ नहीं है, एजेंसी उसे पकड़कर अपने साथ ले गई है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि एक तरह से ये हेलेना के लिए अच्छा ही हुआ है, क्योंकि उसका शरीर स्पेसशिप के प्रेशराइज्ड वातावरण का आदी हो चुका है और उसके बाहर वो नहीं रह पाएगी। डॉक्टर आगे ये भी बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। इधर एजेंसी में चीफ साइंटिस्ट हेलेना से कहता है कि अब वो उनके किसी काम की नहीं है, इसीलिए एजेंसी उसे खत्म करने वाली है। तभी उसके पास एलेक्स का फोन आता है। एलेक्स उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक फायदे का सौदा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चीफ साइंटिस्ट का ही है। उसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हेलेना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जा रहे थे। एलेक्स तेजी से मिलिट्री का चेक नाका तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और सेना के जवान उस पर गोलियां चलाते हैं। फिर एक गोली उसके हाथ पर आकर लगती है। तभी चीफ साइंटिस्ट वहां पर आकर एलेक्स पर गोली चलाने से सबको रोकता है। उसके बाद वे लोग एलेक्स और हेलेना को मिलवाते हैं। एक दूसरे को देख दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर एलेक्स चीफ साइंटिस्ट से कहता है कि वो भी हेलेना के साथ ही स्पेसशिप सिम्युलेटर के अंदर रहना चाहता है। एलेक्स हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट साइंटिस्ट को दिखाता है और रिपोर्ट में हेलेना 6 हफ्ते के गर्भ से थी। दरअसल एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट के बीच ये तय हुआ था कि एजेंसी हेलेना को नहीं मारेगी और इसके बदले में हेलेना को सिम्युलेटर में बच्चा डिलीवरी करना होगा, जिससे कि एजेंसी उसके मेडिकल डाटा को रिकॉर्ड कर उस पर शोध कर सकेगी, क्योंकि आज तक सिम्युलेटर के अंदर किसी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई थी। असल में हेलेना की प्रेगनेंसी के कारण उसकी जान बची है। बस हेलेना एक शर्त रखती है कि जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वो उसके बच्चे को सिम्युलेटर से आजाद कर दे। और फिर कुछ वर्षों बाद एक लड़की को सिम्युलेटर के बाहर निकलते दिखाया जाता है, जो एलेक्स और हेलेना की ही लड़की है। यही मूवी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी।